स बी एंडलेस एज द ओशन एंड टाइम द टाइड्स. दुडे इज ट्वेंटी स्टडी क्वेश्चन के आंसर हैं फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे श्री गुलजारी लाल नंदा जी चाइना में हुआ था बॉक्सर रिबेलियन ये जो बुरान विंड है दिस इज अ लोकल विंड और ये लोकल कोल्ड विंड है ये फ्लो होती है ब्लो होती है अक्रॉस ईरान ईस्टर्न एशिया जिंजियांग साइबेरिया कजाकिस्तान इस एरिया में डब्लू थ्री सी का फुल होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम गुजरात वो स्टेट है जो सोल प्रोड्यूसर है अजेट चौक और पैरालाइट का फ्रेड हॉयल ने प्रपोज किया था स्टेडी स्टेट थ्योरी सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल हैं व्हाट इज द करेक्ट वर्ड डिस्क्राइबिंग लॉस ऑफ स्नो फ्रॉम अ ग्लेशियर बाय मीन्स ऑफ सब्लिमेशन मेल्टिंग एवोपरेशन एंड एवलाच तो इन सब के थ्रू लॉस ऑफ स्नो हो रहा है फ्रॉम दिस ग्लेशियर्स तो उसको क्या बोलते हैं जोग्राफी टर्म दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट मातोश्री एक किताब है इसको किसने लिखा है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वाटर कहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर इंडिया से पास होती है और किन सारे राज्यों से पास होती है उनके नाम बताइए विच फर्टिलाइजर इज मेनली प्रोड्यूस्ड एट सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इन झारखंड सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है डिसप्रपोर्शनेट डिसप्रपोर्शनेट मतलब वो इनअप्रोप्रिएट है इनऑर्डिनेट है अनरीजनेबल है ओमिनस का मतलब होता है वो बहुत डरावना है मेनेसिंग बेलफुल राइवल राइवल मतलब कॉम्पिटिटर ओपोनेंट कॉन्टेस्टेंट एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है एमिग्रेंट जैसे अफगान छोड़ के लोग भाग रहे हैं तो ये दूसरे किसी कंट्री में जाके बसेंगे तो दे वुड बी कॉल दीज एक्सपैट्रिएट फैक्शन मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है उसमें अलग अलग धड़े बन गए हैं फैक्शन स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन एस्पेश इन पॉलिटिक्स सो दीज आर समरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं आज हम पढ़ेंगे दिस जलिया वाला बाग मेमोरियल एट अमृतसर और सेकेंड जो टॉपिक होगा वो होगा ट्राइबल ट्राइबल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया देन इस पे रिलेटेड हम एक सवाल भी देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ने कमीशन किया आई विग्रह कॉरिडोर इन टैटर्स वाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द फ्यूरी ये है नॉट्स गगन नॉट्स नॉट्स गगन गगन उसका एक सूट है दिस इज प्लाज्मे डी एन एव डी ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी सिक्स एक्सपर्ट्स ने बोला री ओपन करें स्कूल को दिस इज जस्टिस चंद्रचूड का स्टेटमेंट आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आता है आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बी वैक्सीनेशन को 100 साल हो गए हैं तो बी वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन व्हाट मेक्स फिश फिन सो स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल टेन परसेंट एज आई आ रहा है एल का विल हैव अ टॉक देन दिस इज मोनिटाइजेशन का इतना पुश क्यों है क्या फायदे होंगे देन हंड्रेड एंड सी ए में क्या अमेंडमेंट हुआ है क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है मोपला इंसरेक्शन मोपला रिबेलियन मालाबार इसके भी अभी हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट हुए हैं टू विल टॉक दिस इज रैंडम वेयर दिस इज टू स्पीक ट्रूथ टू पॉवर हार्ट ऑफ इम परफेक्ट इनफनेस और ये एक नई किताब है मैपिंग में आज हम देखते हैं दिस इज साउथ चाइना सी दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी सेट सोल्यूशन हैं और कुछ सवाल हैं सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस द हिंदू दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दी एडिशन ये फ्रंट पेज है द हिंदू का अफगान क्राइसिस यहाँ पे मेन्शन किया है अफगान में जो अब रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है देन दिस इज अबाउट इंडिया ब्रॉड बैक पीपल होली बुक्स फ्राम अफगानिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया रेनोवेटेड जलियावाला बाग मेमोरियल रिकॉल्स वेलर ऑफ पंजाब सेक्रीफाइस रीटोल्ड रेनोवेटेड है जलियावाला बाग मेमोरियल इन अमृतसर विल बी ओपन टू विजिटर्स फ्रॉम संडे मैं यहाँ पे भी गया हूँ दिस इज जलियावाला बाग अब सी यहाँ एक चीज और बताया प्राइम मिनिस्टर ने और वो बताया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कॉम्युनिटीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कॉम्युनिटीज इन फ्रीडम मूवमेंट हैड नॉट बिन हाईलाइटेड अपसी इंडिया जो था ना उस टाइम का फ्रीडम स्ट्रगल में तो इंडिया में हमें यह भी पता है ट्राइबल्स का भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है तो जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे इन ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए ट्राइबल्स ने भी बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ट्राइबल्स कहाँ रहते, है? रहते हैं ट्राइबल्स प्राइमरली रहते हैं फॉरेस्ट में जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इनके फॉरेस्ट राइट्स का हनन किया फ़ॉरेस्ट राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए फॉरेस्ट से ही इनको बेदखल कर दिया गया तो ट्राइबल्स जो थे उन्होंने वेपन्स उठाए और इस ब्रिटिशर्स या फिर आउटसाइडर्स जो थे उनके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया और इसी को बोलते हैं दिस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दे फॉट फॉर देयर लैंड एंड पीपल तो इंडिया में हम जैसे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ये जो सेक्शन है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसके इससे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसको बहुत ज़्यादा एम्पेसाइज भी किया है तो अगेन दिस मेक्स इट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि यहाँ बताया गया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ना इतना हाईलाइट हुआ नहीं जितना होना चाहिए ट्राइबल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन तो गवर्नमेंट वॉज सेटिंग अप नाइन म्यूजियम्स फॉर द सेम सो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो आज हम एक ही सवाल तैयार करेंगे और वो सवाल होगा ट्राइबल्स का क्या रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ब्रिटिश एरा जो था इसमें ट्राइबल मूवमेंट जो था ट्राइबल प्रोटेस्ट थे ट्राइबल स्ट्रगल था इस पर आज हम सवाल तैयार करते हैं नोट ऑन द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर लैंड एंड पीपल जैसे वीर नारायण सिंह थे पॉपुलर है मुंडा ने भी हथियार उठाए थे ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने के लिए देन दिस इज अल्लूरी सीताराम राजू रानी गैंडुली दिस इज सिद्धू एंड कानू ये हैं सांथल रिबेलियन के तो ये क्या है ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर्स हैं अक्सर इनसे एम आया है प्रलम्स में सवाल आया है कि ट्राइबल लीडर्स जैसे मैच द फॉलोविंग बिरसा मुंडा रिबेलियन कहाँ पर हुआ था बिरसा मुंडा रिबेलियन में क्या आउटकम था अभी सांथल रिबेलियन के भी काफ़ी न्यूज़ थे सांथल रिबेलियन कुछ ही दिन पहले पी ने इसके बारे में काफ़ी ट्वीट्स किए हैं सांथल रिबेलियन देन नॉर्थ ईस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं हाईलाइट नहीं हो पाता है तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो आज का ये सवाल है इसमें आप ये दो चीज़ देखो एक तो इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट कौन से हुए दूसरा इसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन है तो ऐसे नहीं तो भी आपको दस नाम टिप्स पे याद होने चाहिए तो जहाँ भी आंसर लिखना है ये दस नाम आप यूज़ कर सकते हो जैसे यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं ना ऐसे एटलीस्ट फाइव टू टेन नेम्स यू शुड बी नोइंग और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस एरिया में हुआ है बाकी जो थीम है ट्राइबल रिबेलियन का वो सिमिलर है थीम यही होता था कि इनकी जो लोकल लैंड है जंग जंगल जमीन और वहाँ पे आउटसाइडर्स का एनक्रोचमेंट है इनके राइट्स इनसे डिनई कर दिए गए इनको जो पैट्रोनेज मिलता था वो डिनाई कर दिया सो दैट इज़ वाई उन्होंने आर्म्स पिक किए टू तो थ्रो आउट दिस फॉरन गवर्नमेंट और इसका जो रिजल्ट है वो भी मोर डेस्क सेम है बिकॉज ये जो ट्राइबल्स थे इनके पास कैपेसिटी नहीं थी इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे इनके पास दे वर नॉट अ प्रॉपर आर्मी जैसे कि ब्रिटिशर्स की थी सो इन मोस्ट केसेज दे लॉस दिस वॉर दे लॉस देअ बैटल सो द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई देअर कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज बैटल का रिजल्ट क्या हुआ इट डजेंट मैटर कौन ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया किस इंटेंशन से लड़ा और क्या मैसेज वहां पर गया ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ये है कि इनका स्ट्रगल में फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्ट्रीब्यूशन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आज ही बड़े अच्छे से तैयार करिएगा इट इज वेरी वेरी हाई एंडिंग इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी नेशन टू रिमेंबर इट्स हिस्ट्री ये लाइन अच्छी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें हमारी हिस्ट्री पता होनी चाहिए हिस्ट्री अगर हमें पता नहीं होती ना तो हिस्ट्री में ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इट हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है तो अगर हमको हिस्ट्री पता है तो एटलीस्ट हम हिस्ट्री से लेसन सीख सकते हैं ताकि सेम मिस्टेक बार बार नहीं हो एंड नॉट फॉरगेट द हॉरर जैसे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ कॉम्यूनल लाइन पे इतने ज्यादा मैसा हुआ ये जो हॉरर हुआ इससे हमें सबक सीखना चाहिए वरना हम बार बार सेम मिस्टेक्स करते रहेंगे जलियावाला बाग मैसा एंड पार्टीशन और डिवाइड डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी यही पॉलिसी अक्सर फॉरेन पावर्स इंडिया में खेलने की कोशिश करती है इंडिया हमारा वन है बट फॉरेन पावर्स मीडिया इस तरीके से आपस में एक दूसरे से लड़ाता है सो दैट वी बिकम वी गेट वी कन सो वी शुड नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप ओके सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे अब जो सेकेंड है वो है कॉरिडोर इन टैटर्स बिफोर दैट दिस इज वीजा देन दिस इज पुलिस बैटन चार्ज फार्मर्स कॉरिडोर इन टैटर्स अक्सर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है है ना कंस्ट्रक्शन वर्क में या तो कुछ इरेग्यूलैरिटी हुई या फिर कुछ मिस्टेक हो गया या फिर कुछ ह्यूमन एरर हुआ या फिर कुछ इंजीनियरिंग का एरर हुआ इंजीनियरिंग मिस्टेक हुई तो जब इस टाइप की गलतियां होती है तो होते हैं ऐसे एक्सीडेंट्स इन एक्सीडेंट्स में अकाउंटेबिलिटी सेटअप करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं क्या उन्होंने तो मिस्टेक नहीं किया या फिर ये कोई फ्रीक एक्सीडेंट हुआ है वॉट एवर इट इज वी नीड टू सेट सर्टन अकाउंटेबिलिटी कॉरिडोर्स इन टैटर्स जैसे यहाँ पे कुछ वर्कर्स भी यहाँ पे दे गॉट इंजर्ड वन वर्कर हीलिंग फ्रॉम दिस डाइड इन दिस इंसिडेंट. तो दिस इज नॉट राइट इससे लॉसेस होते हैं प्रॉपर्टी के भी और ह्यूमन लाइफ के भी कॉरिडोर इन टैटर्स इसमें एक और एंगल है एथिक्स में अक्सर केस स्टडी आती है कि क्वालिटी जो था कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वो ठीक नहीं था आप सुपरवाइजर हो आपने यहाँ पे वो फॉल्ट फाइंड किया अब आप क्या एक्शन लोगे ऐसे सवाल भी आए तो यू शुड बी नोइंग प्रोबिटी एक टर्म होता है प्रोबिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सर्वेंट्स, ओके कॉरिडोर इन टैटर्स सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू सो अब आगे बढ़ते हैं दिस इज पेज नंबर टू ये जो पेज है इसमें यहां डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कमीशन किया है आईसीजीएस विग्रह ये सेवंथ ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है इट इज़ बिल्ट बाय इट वॉज बिल्ट बाय इंडिजीनसली बाय लार्सन एंड टूर्बो तो ये सेवंथ ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है ऑफ शोर तो हमारी कोस्टल ह्यूज है कोस्टल जो लाइन है ह्यूज है इस कोस्टल लाइन में पेट्रोलिंग करने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए ये पेट्रोल वेसल्स वेसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं द गुड थिंग विद दिस इज दिस इज इंडीजीनसली बिल्ट अब आगे बढ़ते हैं दिस इज नेक्स्ट पेज यहाँ न्यूज है वाई आर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द हिमालज रिस्की सी हिमालयाज में अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा काफ़ी सारे नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल मिला है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अच्छी चीज़ यह है कि इससे क्लीन एनर्जी मिलती है दूसरी बात जो हिमालय है यहाँ का जो, जो जोग्राफी है वो सूटेबल है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बिकॉज फ्लो ऑफ रिवर यहाँ पे काफ़ी फास्ट है तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ के लिए कन्वीनियंट है प्रॉब्लम क्या आती है प्रॉब्लम आती है यहाँ की जो इकोलॉजी है वो फ्रेजाइल है कुछ ही दिन पहले हमने ये हॉरर सीन्स देखे थे कि अचानक से ग्लेशियर वगैरह यहाँ से टूटा और उससे ये पूरा बाढ़ आया और ये तपोवन प्रोजेक्ट बुरी तरह डैमेज हुआ रेवेज बाय फ्लड्स इन फेब्रवरी टू सो दिस टेल्स ऑल दो अपॉर्चुनिटी है बट यहां पे हमें फॉलो करना है नियो डिटर्मिनिज्म नियो डिटर्मिनिज्म बोलता है स्टॉप एंड गो जहां नेचर अलाउ कर रही है वहीं आगे बढ़ना है जहां नेचर बोल रही है नो तो नो का मतलब नो होता है सो so, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द हिमालज आर रिस्की अब सी गवर्नमेंट ये बोलती है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर होता है हिमालयन स्टेट्स का बिकॉज यहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हम कंडक्ट नहीं कर पाते कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज ट्रेन इज वेरी डिफिकल्ट तो क्या हम डिनाई कर दें यहाँ के लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को बोला सेवन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन द रीजन कैन गो अहेड एक टर्म भी होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हैव अ लुक एट नोट्स ईआईए पे हमने एक बड़ा अच्छा नोट देखा था एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इसमें यह होता है कि कोई भी नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो पहले आपको ये स्टडी करना है कि उस नए प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं रिस्क इन्वॉल्व क्या है मिटिगेशन मेजर्स क्या होंगे ये सब चीज़ें तो हिमालय में ये प्रोजेक्ट्स अप्रूवल दे दिया है ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं परमाफ्रॉस्ट थॉ मतलब पिघल रही है बर्फ प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप तो ये जो स्लोप है ये स्टेबल नहीं रहेगा डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा लैंडस्लिप होगा भूस्खलन और इससे नंबर एंड एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक्स भी बढ़ेंगे ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं ग्लेशियल टोपोग्राफी क्लास इलेवेंथ की फंडामेंटल्स ऑफ जोग्राफी बुक ग्लेशियर लेक्स विद इनक्रीज इंस्टेंसेज ऑफ क्लाउड बस्ट एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पानी गिर जाना दैट इज क्लाउड बस्ट इंटेंस स्पेल ऑफ रेनफॉल होगा एवलांच आएगा तो जो रेसिडेंट्स हैं वो एट ग्रेट रिस्क होंगे लाइव्स भी और लाइवलीहुड भी सो द पॉइंट इज वी वांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट एट व्हाट कॉस्ट एट व्हाट कॉस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट तो ये यहां पे अभी डिबेट हो रहा है फिलहाल के लिए अप्रूवल दे दिया है बट ये बहुत रिस्की बिजनेस है दिस इज फ्लड फ्यूरी ये भी एक बड़ा डिजास्टर है ये सबमाज हो गया है असम का एरिया अब जैसे असम है ना असम बेसिकली एक वैली है जैसे ब्रह्मपुत्र वैली है ना ब्रह्मपुत्र वैली तो यहाँ पे क्या होता है फ्लड्स बड़े कॉमन है और फ्लड्स होने का भी एक बड़ा रीजन ये है कि जो ब्रह्मपुत्र आती है ये अपने साथ बहुत ज्यादा गाद लेके आती है मिट्टी लेके आती है तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पे काफी ब्रॉडन भी है कई बार यहाँ इस मिट्टी से एक आइलैंड भी बना है जिसे मजूली आइलैंड बोलते हैं तो रिवर अपना कोर्स भी चेंज करती है कई बार शैलो हो जाती है कोर्स चेंज करती है और पानी वास्ट एरिया में ऐसे स्प्रेड हो जाता है फ्लड फ्यूरी दूसरा ब्रह्मपुत्रा एंड असम से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो है चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर जो चाइना चाइनीज पार्ट है वहाँ पर ये डाउन दिस रिवर पे डैम्स बना रहा है और ये डैम्स में अगर सडन वाटर रिलीज करेगा तो हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट में डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी दिस इज़ फ्लड फ्यूरी फ्लड के लिए भी आप एनडीएमए की गाइडलाइंस देखो इसकी वेबसाइट और ट्विटर हैंडल एक्सेलेंट है ट्विटर भी अगेन डबल एजड सॉर्ड है इसमें जो प्रोडक्टिव चीज़ है उस पर हमें ध्यान देना है मिस नहीं करना है यूज करना है ट्विटर तो ये बात है फ्लड फ्यूरी अब जैसे ये है हमने आई का न्यूज़ देखा था हैज़ बिन ट्राइंग टू रिक्रूट इंडियन सिटीजन्स फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स ये लोग क्या करते हैं ये ब्रेन वॉश करते हैं रिलीजन के नाम पे भड़काते हैं ब्रेन वॉश करके ये रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं और ये जो यंग गलीबल लोग होते हैं इनसे ये अपने अल्टीरियर मोटिवस क्लियर कराने की कोशिश करते हैं तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज एन एल्डर्स एल्डर्स बिकॉज काफ़ी सारे अभी यंग जनरेशन इंटरनेट से एक्सपोज हो रही है उनको इंटरनेट का नो हाउ भी नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है कौन सी चीज़ करेक्ट होती है कौन सी चीज़ जस्ट प्रोपोगेंडा होती है तो एज एन एल्डर वी नीड टू एजुकेट देम वेल ताकि उनको सही और गलत की पहचान हो पाए वी शुड नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप तो ये अभी इनकी कोशिश और बढ़ने वाली है इस बात पे हमें बहुत अलर्ट रहना है और वी शुड वी शुड नॉट मेक दिस हैपन इंडियन पायलट्स टू रिटर्न टू रशिया सून फॉर स्टिचिंग कस्टमाइज स्पेस सूट्स तो गगनयान मिशन है हमारा गगनयान मिशन में हम जा रहे हैं स्पेस पे तो ये गगन नाट्स है गगन नाट्स ये रशिया के साथ कोलेबोरेशन है स्पेस में जाने का रशियन स्पेस कॉरपोरेशन रॉस्कॉसमास और इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन दोनों का कोलाबोरेशन है अब ये है सूट स्पेस सूट है ये प्रोटेक्ट करेगा एस्ट्रोनॉट को फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड वैक्यूम आप बताओ जब स्पेस में जाते हैं तो ब्लड वेसल्स वगैरह अगर आपने सूट नहीं पहना है ना तो वो रक्चर हो जाती है क्यों ऐसा क्यों होता है स्पेस में आपको कम्युनिकेट करना है तो क्या साउंड ट्रेवल करती है स्पेस में आंसर आंसर दीज टू क्वेश्चन कि ब्लड वेसल्स रप्चर क्यों हो जाएगी अगर हम स्पेस में जाएंगे वाई और दूसरा अगर कम्युनिकेट करना है तो क्या साउंड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अपन साउंड कैन ट्रेवल इन स्पेस और नॉट ओके तो ये एक स्पेशल सूट्स बनते हैं जिससे हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं तो ये सूट का भी ट्रायल्स चल रहे हैं हमारा गगनयान मिशन ऑन ट्रैक ही है मोस्ट प्रोबेबली 2022 समथिंग डेट है वहाँ पे हम जाएंगे गगन नॉट ट्रैवल इनटू स्पेस होगा इंडियन स्पेस क्राफ्ट है इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन ट्रेनिंग लार्जली इसमें है बट रशिया का यहाँ पे कुछ इनपुट्स भी हैं कोलेबोरेशन भी है सेल्फ कंटेन स्पेसशिप मतलब दैट प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर स्पेस में बहुत कम होता है और मीटरॉयड्स होते हैं माइक्रो मीटरॉयड्स होते हैं यहाँ वैक्यूम होता है वैक्यूम में जैसे हम देखते हैं ना जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वहां पे एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं और कुछ रिपेयर वर्क वगैरह कर रहे हैं सो so, वो ये सूट पहनते हैं स्पेस सूट तो स्ट्रॉल आउटसाइड द कन्फाइन्स ऑफ एयरक्राफ्ट और एंजॉय अ ब्रिस्क वॉक ऑन द मून सो दिस इज स्पेस सूट रशिया के साथ दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलेबोरेशन में एक तो स्पेस और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी ये प्लाज्मा डीएनए वैक्सीनेशन है जायकोव डी सेफ है इफेक्टिव है एडोलोसन के लिए लेट अस सी इसको अप्रूवल भी मिल गया है इमरजेंसी यूज डी रीओपन स्कूल करना जरूरी है अदरवाइज लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं देन डेमोक्रेसी एंड ट्रुथ गो हैंड इन हैंड नोट डाउन दिस लाइन डेमोक्रेसी एंड ट्रुथ गो हैंड इन हैंड जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा एक्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ ऑब द प्री डिस्पोजिशन टू स्पीक ट्रुथ टू पावर दिस इज दिस इज द मैसेज अब आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्नैपशॉट बिफोर दैट बाइडन चाइना विल स्टिल विद होल्डिंग क्रिटिकल डिटेल्स ऑन वायरस ओरिजिन बाइडन लुक सो गलीबल ट्रस्ट कर रहा है तालिबान पे ट्रस्ट कर रहा है चाइना पे दिस इज स्टिडिटी यूएस इंटेलिजेंस स्प्लिट है ऑन वेदर इट एस्केप्ड फ्रॉम अ लैब जो भी उसका एक्चुअल ट्रुथ आना चाहिए कि ये वायरस आया तो आया कहाँ से यूएस ड्रोन ने स्ट्राइक किया आई एस पे अफगानिस्तान में यू एस फोर्सेज अभी भी अंडर अटैक है अंडर थ्रेट है यू एस ने भी शिप्स इन ताइवान स्ट्रेट अब सी ये स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट का जो पी डी एफ है उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा एग्जाम से पहले ताइवान स्ट्रेट तो यहाँ पे अगेन टेंशन हो रहे हैं पूरा जो अभी फोकस है ना वो मेरी टाइम मेरी टाइम दिस शिप्स के मूवमेंट पे है मेरी टाइम कॉम्युनिकेशन पे है मेरी टाइम दिस शिप्स का मूवमेंट तो यहाँ जैसे ताइवान स्ट्रेट पर अब पोज थ्रेट चाइना ने बोला है अभी हम साउथ चाइना सी भी देखते हैं यू एस गल्फ कोस्ट ब्रेसिस फॉर हरिकेन हरिकेन ईडा ये कहाँ पर आ रहा है यू एस में आ रहा है हरिकेन टाइफोन विली विली ये सब मिलते जुलते हैं बाइडन इज मेकिंग सेम डिमांड एज ट्रम्प नो सी जब ट्रम्प गया और बाइडन आया तब हमने एक बात बोला था लीडर्स चेंज होते हैं बट कंट्री की पॉलिसी मोर लेस सेम होती है तो यू एस की पॉलिसी में भी ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना है ये ईरान के लीडर्स ने बताया न्यूक्लियर डील ये अलग टेंशन है ईरान के साथ यूएस ओवर न्यूक्लियर डील अफगानिस्तान ओवर शेडोज की वेस्ट एशिया समिट मैक्रो ने वॉर्न किया है अगेंस्ट आईएस का थ्रेट ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड को बहुत केयरफुली यहाँ पे इससे डील करने की जरूरत है देन दिस इज एबडक्टेड नाइजीरियन स्टूडेंट यहाँ पे भी के चल रहा है साइंटिस्ट फाइंड नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मार्क्स नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मार्स ये टू बी नेम्ड आईलैंड है नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड पे ग्रीनलैंड भी मैपिंग में कुछ ही दिन पहले हमने देखा आर्कटिक सर्कल तो ये लैंडमार्क इन्होंने फाइंड किया है उडाक इज सम 700 साउथ ऑफ नॉर्थ पोल और न्यू आइलैंड 780 मीटर है नॉर्थ ऑफ उडाक तो पहले उडाक था अब ये कि नया आइलैंड आ गया है दिस इज नॉर्दर्न मोस्ट लैंडमार्क जो आर्कटिक सर्कल है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्कटिक सर्कल बिकॉज आर्कटिक सर्कल का नेविगेशन रिसोर्सेज मिनरल्स और जियो ये तीनों चीजें अभी बहुत न्यूज में है देन ये है स्नैपशॉट्स फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है लोनली फ्लाइज यहाँ पे बताया जैसे फ्लाइज होती है ना ये भी सोशल एनिमल है सोशल है तो अगर फ्लाई को क्वारंटाइन कर देते हैं तो उसका एपेटाइट बढ़ जाता है बिहेवियर चेंज हो जाता है लोनली फ्लाइज लोनली होता है तो ये खाना भी ज्यादा खाती है फ्लाइज ऐसे करके बताया है न्यूरल एक्टिविटी बिहेवियर वगैरह उसका चेंज हो जाता है देन मिसिंग गैप इन टाइम ये क्या है रॉक्स है ग्रैंड कैनियन ग्रैंड कैनियन यूएसए तो यहाँ पे क्या हुआ जब एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था रोडिनिया ये रोडिनिया टूटा तो एक बहुत बड़ा पोर्शन इस ग्रैंड कैनियन का बह के समुद्र में चला गया तो करीब वन मिलियन वन बिलियन ईयर की जो हिस्ट्री है ना रॉक की वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे बिकॉज दैट इज लॉस्ट वो चला गया समुद्र में बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकिंग ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया रोडिनिया ए आई प्रिडिक्ट आइस लॉस एक कॉन्टिनेंट था पेंगिया पेंगिया फिर एक गोंडवाना लैंड बना फिर एक यूरेशिया ऊपर बना ये सबसे शुरुआत में ऐसे करके कॉन्टिनेंट्स बनने स्टार्ट हुए थे ए आई प्रडिक्ट आइस लॉस अब ए आई यहाँ पर भी आ गया है ए आई की ज़रूरत ही नहीं है हम ही प्रडिक्ट कर लेते हैं कि आइस लॉस तो हो रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं वाई बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग तो यही चीज़ है आर्कटिक ओशन में आइस लॉस हो रहा है स्टॉम्स अक्रॉस यूरोप क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने भी बताया एवरेज न्यूज रीडर भी बता सकता है जो न्यूज ये है कि जो स्टॉम्स हैं ये इंटेंस होते जा रहे हैं और फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं जैसे हमने इंडिया में भी देखा इतने सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं हर दूसरे महीने साइक्लोन आ जाता है और इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है दिस टेल्स क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी तो ये स्लो इंटेंस रेन स्टॉम है यूरोप में ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है फ्लड्स भी यूरोप में आने लग गए अभी जर्मनी में फ्लड आए थे दिस so टेल्स कि सी की रिपोर्ट जो बोलती है वो एकदम सही बात बोलती है आईपीसी की रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट. ये बाद आती है अभी 2021 में आई so है सो दिस इज इंपॉर्टेंट बीसीजी वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है बिफोर दैट इट इज अनलाइकली टू विटनेस अज इन केसेज इन सेप्टेंबर ऐसा होना चाहिए बट वी शुड नॉट ड्रॉप दी शुड नॉट ड्रॉप द गार्ड वैक्सीनेशन जरूरी है आई ने कंप्लीट कर लिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर टू 24 कंपनीज ऑक्सीजन के जो हॉरर स्टोरीज हमने अप्रैल में देखे थे ना नाइटमेयर था वो तो दैट इज़ वाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स भी इस एरिया में होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएस टू प्रेस चाइना ऑन कोविड नाइन्टीन ओरिजिन प्रोब और चाइना अगर गिल्टी पाया गया ना तो पूरे वर्ल्ड को इससे पैसे वसूलने चाहिए इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए चाइना के थ्रू ओरिजिन प्रोब देन बी सी जी वैक्सीनेशन हंड्रेड ईयर्स इन काउंटिंग अब इसके सौ साल हो गए तो दिस इज इंपॉर्टेंट वैसे भी वैक्सीनेशन काफी इंपॉर्टेंट अभी काफी न्यूज में ये वैक्सीनेशन है टीबी का बी सी जी बोलते हैं इसे बेसिलस ग्यूरिन ये वैक्सीनेशन है अगेंस्ट ट्यूबर क्यूलॉसिस इन ह्यूमन सौ साल पहले ये वैक्सीनेशन आई थी इसके हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट हो गए टीबी क्यों होता है टीबी होता है बैक्टीरियम से माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्योलॉसिस से ये इस फैमिली को बिलोंग करता है ह्यूमन में टीबी जो होता है वो प्राइमरली अफेक्ट करता है लंग्स को पल्मोनरी टीबी ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में बीसीजी जो थी ये डेवलप किया था फ्रेंचमैन ने अल्बर्ट कैलमेटी और कैमिले ग्यूरिन फ्रेंच नेम है इनके प्रोनासीशन वियर्ड होते हैं मॉडिफाइंग स्ट्रेन ऑफ दिस माइको बैक्टीरियम वोविस टिल इट लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू कॉज डिसीजेस तो सेम वही फंडा है वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि वीकर या डेड वायरस को बॉडी से इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी उस वीकर और डेड वायरस से फाइट करके प्रिपेयर हो जाती है तो जब एक्चुअल वायरस का अटैक होता है तो बॉडी सक्सेसफुली उसको डिफेंड कर लेती है दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन तो ये फर्स्ट ह्यूमन में 1921 में यूज़ हुआ था स्ट्यूमुलेट द इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है समझ जाता है कि दिस इज़ वायरस दिस इज थ्रेट इस पर तुरंत अटैक करो तो ये चीज़ होती है वैक्सीनेशन का काम तो बी सी जी नाइनटीन फोटी एट में इंडिया में आई नेशनल टी बी कंट्रोल प्रोग्राम नाइनटीन सिक्सटी टू में भी चल रहा है बी सी जी और टी बी का एक चीज़ ये भी देखने में आया कि ये जो बी सी जी है ना ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है इक्वेटर से जो ऊपर कंट्रीज़ ज़्यादा है मतलब इक्वेटर से दूर जैसे यूरोप हुआ रशिया हुआ इधर ज़्यादा इम्पैक्ट आया इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में बी सी जी इतनी इफेक्टिव नहीं पाई गई एक थ्योरी ये भी आया दो हज़ार पच्चीस तक हम चाहते हैं इंडिया टी बी फ्री हो जाए ये हमारा टारगेट है क्योंकि टी होने से भी ना डिसीज बर्डन बहुत बढ़ जाता है डिसीज बर्डन क्या होता है जैसे कोई बीमार है तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं हो पाती प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होती तो उसका वर्क इम्पैक्ट होता है और वो पोटेंशियल वर्क लॉस हो गया पोटेंशियल जीडीपी लॉस हो गया इसको बोलते हैं डिसीज़ बर्डन प्लस इलाज में बहुत खर्चा हो जाता है सो द पॉइंट इज वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल डिसीजेज एज मच एज पॉसिबल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बट ये जो डिसीजेज और मेडिसिन है दे आर अ वेलकम मूव वॉट मेक्स फिश फिन सो स्ट्रॉन्ग एट फ्लेक्जिबल एक वर्ड होता है बायोमेमिक हम क्या करते हैं जैसे हेलीकॉप्टर हमने कैसे बनाया हेलीकॉप्टर हमने हमिंग बर्ड को देख के बना लिया कि वो कैसे उड़ रही है उसके हिसाब से हमने हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया और हेलीकॉप्टर बन गया सो वी लर्न फ्रॉम एनिमल्स बायोमेमिक करते हैं ये फिश है ये फिश के बड़े पतले ऐसे फिन्स होते हैं बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल स्टैक है, well. है टॉप में सॉफ्टवेयर कोलेजन भी है तो बाउंसी और स्टिफनेस दोनों मिल जाता है जैसे अपनी फिंगर्स होती है ना इस टाइप का है तो इससे भी हम इसको अपनी इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं फिश फिन सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब है एफ ए क्यू फर्स्ट एफ ए क्यू है अबाउट एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एल आई सी का आई पी ओ आ रहा है आई पी ओ आने पर सवाल ये उठ रहा है कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा एल आई सी में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं तो क्या पैसा डूबेगा तो नहीं या फिर एल जो उन्हें डिविडेंड्स देता है बेनिफिट्स देता है उसमें कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इस बात पे कंसर्नस है फिलहाल के लिए ये सब चीजें क्या होगा नहीं होगा वी डोंट नो लेट इज वेट एंड वॉच बट इसके जो बेसिक्स हैं जैसे आई क्या होता है इसको अभी हम समझ लेते हैं आई का फुल फॉर्म कभी भी कोई भी टर्म देखना है ना उसका मीनिंग में सबसे पहले जाना चाहिए मीनिंग क्या है आई पी ओ आई का मतलब क्या होता है इनिशियल पी मतलब पब्लिक ओ मतलब ऑफरिंग कोई भी एक कंपनी है उसको लिस्ट करना है स्टॉक मार्केट्स में तो स्टॉक मार्केट में वो खुद को लिस्ट करेगी और वहां पे क्या करेगी पैसा उठाएगी किसके बिहाफ में पैसा उठाएगी शेयर्स एंड दिस सिक्योरिटीज के थ्रू तो ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पहली बार कोई कंपनी आई ला रही है कोई कंपनी स्टॉक में लिस्ट होके अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बेच रही है आम पब्लिक को और उनसे पैसा ले रही है दिस इज आई तो अनलिस्टेड कंपनी है जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में जैसे एल अनाउंस कर रही है पहली बार आ रही है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगा इट डिसाइड्स टू रेज फंड्स पैसा उठाएगी थ्रू सेल्स ऑफ सिक्योरिटी और शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज इनिशियल किससे उठाएगी पब्लिक से उठाएगी उनको ऑफर करेगी शेयर्स सिक्योरिटीज ये सारा तो इसको आईपीओ बोलते हैं आईपीओ इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट में सेकेंडरी नहीं प्राइमरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो एल ऐसा आई ला रही है डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट है सरकार पैसे जनरेट करना चाहती है डिसइनवेस्टमेंट भी कर रही है 1.75 पॉइंट लाख करोड़ वो एल से कमाना चाहती है अब आई पी लार्जेस्ट इंश्योरेंस फॉर्म है एल इंडिया में वैसे अगर इंश्योरेंस देखें तो ज़्यादा कुछ खास पेनिट्रेशन है नहीं टू पॉइंट ही इंश्योर्ड है और इस टू में भी एल बिग बुल है सिक्सटी सिक्स का है तो एल अभी क्या करती है पाँच प्रतिशत सरप्लस भी देती है गवर्नमेंट को और बाकी जो जिसने एल की पॉलिसीज़ ली है उनको पेमेंट वगैरह हो जाता है बट अगर एल शेयर्स लाएगी तो उसके पास शेयर होल्डर्स भी हो जाएंगे तो उनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा तो क्या उससे फाइव परसेंट पर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा इस बात पर सवाल था दैट कुड चेंज एज इट विल बिकम अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर जिनको उन्होंने शेयर्स बेचे हैं डिविडेंड पेमेंट देना पड़ेगा सोवेर गारंटी ऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जो एल ने बेची है जो हम नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसकी सोवरन गारंटी सरकार कंटिन्यू रखेगी तो उधर कोई खतरा नहीं आएगा तो दिस इज़ आई पी ओ दिस इज़ डिस इन्वेस्टमेंट दिस इज नॉर्मल जो एल का सोवरन गारंटी था पॉलिसीज़ का वो बना रहेगा सरकार टारगेट कर रही है करीब पैसा यहाँ से जनरेट हो जाए अब सरकार के पास वैसे ही पैसे नहीं है तो ये एसेट मोनिटाइजेशन दूसरा टॉपिक है यहाँ बात है वाई इज देर अश फट मोनिटाइजेशन इसका बड़ा अच्छा आर्टिकल कल का था उसमें बड़े डिटेल में बताया क्या अच्छी चीज हो सकती है और क्या रेड फ्लैग्स है एसेट मोनेटाइजेशन में मोनिटाइजेशन का अलग मतलब फिर मतलब में जाना चाहिए मीनिंग में मनी बिल्ड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सरकार के जो एसेट्स हैं रोड्स है, है वगैरह जो भी है उसको किराए पर दो उससे पैसे जनरेट करो और उस पैसे से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो ये सरकार का थाट प्रोसेस है जो आई जो एसेट मोनिटाइजेशन के लिए रखे जाएंगे वो ब्राउन फील्ड रहेंगे मतलब ग्रीन फील्ड नहीं ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी बने हुए हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं होगा मतलब बेच नहीं रहे केवल किराए पे दे रहे हैं रिस्क क्या है करप्शन इज द नंबर वन रिस्क सेकेंड रिस्क है पुअर पॉलिसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर डिटेल में होता नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जैसे आपको पता है हमने जैसे जोग्राफी में पढ़ा प्राइमरी एक्टिविटीज होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है टर्जरी होती है क्यूनरी एक्टिविटीज होती है तो जो टॉप लेवल एक्टिविटी होती है ना वो होती है डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है पॉलिसी मेकिंग जैसे आप मोस्ट ऑफ यू आर प्लानिंग फॉर दिस लीडरशिप जॉब लीडरशिप जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात की समझ होना बहुत जरूरी है जैसे आई वॉज रीडिंग दिस बुक ऑफ बराक ओबामा काफी टाइम से यही बुक चल रही है इसमें ना इसने ये चीज़ बताया कि ओबामा जो था ना ओबामा मिलिट्री बैकग्राउंड से तो था नहीं तो फाइन डिटेल्स नहीं पता है उसे कि एक्जैक्टली exactly कैसे चीजें होगी बट ओबामा बिकॉज लीडर था प्रेसिडेंट ऑफ यू था तो उसकी ये जिम्मेदारी थी ये चीज़ होगी या नहीं होगी दिस लीडर टू नो लीडर हैज़ टू डिसाइड बिकॉज लीडर को बहुत एक ब्रॉड विजन देखना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नैरो ठीक है बट ओवरऑल क्या गुड हो रहा है वो लीडर इन सब चीज़ों को देख के डिसाइड करता है और जो पॉलिसी फॉर्मूलेशन होता है ना उसमें इफ्स एंड इफ़ नॉट्स इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है तो अगर पॉलिसी ही ख़राब रहेगी तो इसमें भले ही कितना अच्छा इंजीनियर हो जाए एसेट मोनेटाइजेशन में भले ही कितना अच्छा लॉयर हो जाए एवरीबडी पॉलिसी ही खराब है तो ये फ्लॉप हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉलिसी डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो पुअर पॉलिसी होगी यहाँ पे फाइन डिटेल्स अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये फ्लॉप शो होगा एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी होती है टीम की टीम बिकॉज दिस इज अ टीम एफर्ट कंज्यूमर्स के राइट right भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए तो रेगुलर टॉक है एसेट मोनिटाइजेशन करना है बट इन सब चीज़ों से बच के रहना है और कल का जो आर्टिकल था री रीड ऑफ दैट आर्टिकल दैट वॉज रियली गुड हाउ इज द बैकवर्ड क्लासेज पॉलिसी री स्टोर्ड यहाँ अभी कुछ नया नहीं है अभी कोर्ट ने ये बोला कि हंड्रेड एंड सी जो आया था उसमें जो ओ का आइडेंटिफिकेशन बाय सेंटर हो गया था स्टेट्स नहीं कर पा रहे थे तो कोर्ट ने बोला ये तो अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस तो कोर्ट ने स्टेट्स का स्टेटस रिस्टोर कर दिया है अब स्टेट्स भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओ को रिजर्वेशन में भी हमारी थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उन आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज को फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट जो भी बेनिफिट्स है वो प्रॉपरली डिलीवर हो ये प्रोसेस होनी चाहिए दिस रिजर्वेशन में और रिजर्वेशन है बिकॉज इक्वेलिटी को दूर करना है इसके लिए इक्विटी हम अपना रहे हैं बट जो एंड गोल है वो है जस्टिस टू द सिस्टम वॉट इज द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन क्रीमी लेयर अब यहां भी एक टॉपिक है क्रीमी लेयर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करो तो कोर्ट ने यह बोला केवल पैसा ही नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन का हो सकता है पैसे खूब सारे बट दूसरा ग्रोथ नहीं हुआ तो आप उसको डेवलप्ड नहीं बोल सकते मनी इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू टेल वेदर अ पर्सन इज डेवलप्ड और नॉट वेदर द पर्सन इज बैकवर्ड और नॉट वाई हेज द कोर्ट सेट इकोनॉमिक क्राइटेरियन सोल बेसिस नहीं हो सकता बैकवर्ड डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल बेसिस नहीं हो सकता है इसमें और भी फैक्टर्स देखने चाहिए जैसे सोशल एडवांसमेंट हुआ या नहीं हुआ एजुकेशन मिली या नहीं हुई एम्प्लॉयमेंट मिला या नहीं मिला तो ये कलेक्टिवली डिसाइड करेगा कि वेदर अ पर्सन इज़ बैकवर्ड और नॉट फिर ये बात है और दिस इज अबाउट क्रीमी लेयर द मैनी शेड्स ऑफ मोपला इन सरक्शन सी ये इसके भी अभी सौ साल हो रहे हैं नाइनटीन ट्वेंटी वन था दो हजार इक्कीस तो दिस इज इंपॉर्टेंट ये जो बात है ये है दिस मालाबार क्राइसिस जो है ना मालाबार केरला में यहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था बात ये आती है कि क्या तो ये फ्रीडम रिवोल्ट था या फिर ये क्लास के अगेंस्ट रिवोल्ट था या फिर यहाँ पे कॉम्यूनल टेंशन था अगर हम केरला की बात करें तो 849 मतलब आज से करीब 12-1300 साल पहले इस्लाम आया था केरला में शुरू में ये अरब ट्रेडर्स होते थे अरब ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड पे आते थे फिर वो इंटरमिंगल हुए लोकल पॉपुलेशन के साथ और इस तरीके से यहाँ पे इस्लाम का अराइवल हुआ अब 1921 में यहाँ पे क्लास स्ट्रगल तो था ही कि कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसके कारण जो लैंड थे लैंड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश वर्क करते थे तो ये रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और लैंड और ब्रिटिशर्स का कोल्यूजन ऐसा लगा इन्हें तो ये रिवोल्ट हो गया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड भी और लैंडलॉर्ड उस टाइम पे थे दिस हिंदूज तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा कॉम्यूनल टेंशन भी देखने को मिलता है फ्यूडल क्लासेस में अलाइड विद द ब्रिटिश राज तो ये इस बात का न्यूज है तो वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस मालाबार रिवोल्ट देन दिस इज द चैलेंजर विद इन छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स बियॉन्ड द ग्लास सीलिंग इसका मतलब क्या होता है बताओ ग्लास सीलिंग का क्या मतलब होता है ग्लास सीलिंग जज इज पॉइस टू बी द फर्स्ट वीमे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटीस्ट अमेजोन रेंजम वेयर विल डोमिनेट द साइबर क्राइम लैंडस्केप रेंजम वेयर मतलब फिरौती लेना की कुछ आपका गलत कर देंगे नहीं तो ये दो दैट इज रें कंप्यूटर हैक कर लेते हैं देन आस्क फॉर दिस मनी रेंजम वेयर फोक्स वैगन टू टेस्ट इंडिया का जमाना है अभी फोक्स वैगन भी आ रहा है देन ये चल रहा है भाविना ऑन द कस्प ऑफ गोल्डन ग्लोरी मेडल आ सकता है यहाँ पे सो दिस इज द हिंदू ये इंडियन एक्सप्रेस है इवैक्यूएशन चल रहा है थर्टी फर्स्ट डेडलाइन है फर्स्ट आउटरीच सिग्नल दिया सी तालिबान का यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया यूएनएससी ने यूएनएससी ड्रॉप्स तालिबान रेफरेंस इन लाइन ऑन टेरर दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट ये क्या बता रहा है कि तालिबान मेन स्ट्रीम हो रहा है मेन स्ट्रीम हो रहा है अप्रूवल हो रहा है अभी जैसे यू ने भी क्या टर्म किया था हमने रिक्वेस्ट किया है तालिबान से कि यहाँ पे इवैक्यूएशन वो करने दें दिस इज अगेन सम क्रेजी न्यूज देन दिस इज अबाउट दिस और ये बात है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आज नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है गोल्डन रन फॉर 2024 ये लाइन बड़ी अच्छी है द मोमेंटम ऑफ मेरिट अभी जो हमने अच्छा किया टोक्यो में तो इससे एक मोमेंटम बिल्ट हुआ है इस मोमेंटम को तोड़ना नहीं चाहिए स्टडीज़ में भी आप देखना आप जैसे डेली पढ़ रहे हो ना तो आपने एक मोमेंटम बिल्ड कर लिया है एक डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया है इसको तोड़ो मत इसको मेंटेन रखो इसके ना थोड़े टाइम पे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स आएंगे कंपाउंडिंग होने लग जाती है सो हैव पेशेंस मोमेंटम ऑफ मेरिट है विटनेस हुआ ओलंपिक गेम्स में अब इसको मेंटेन करना ज़रूरी है कहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे जमीनी स्तर पे ताकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता रहे हमें जैसे हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी आती रहे अच्छी इक्वली स्ट्रिंजेंट कोचिंग हो डाइट हो फिटनेस स्टैंडर्ड हो स्कूल लेवल से बच्चों को तैयार करना जरूरी है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करें लार्ज फेस्टिवल है उससे कोविड का थ्रेट हो सकता है स्पोर्ट्स डे हम क्यों मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद सिंह जी की आपने हॉकी में एक्सेलेंट काम किया है आपको विजार्ड ऑफ हॉकी बोलते हैं देन दिस इज काबुल क्राइसिस है और ये फ्यूचर रिटेल मूव है एफडीआई इक्विटी बढ़ी फॉरेक्स में थोड़ा डिप हुआ है गूगल प्ले बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रहा है प्ले इट अगेन काबुल डार्कनेस ऑफ बीम काबुल स्पोर्ट्स वगैरह क्या फ्यूचर होगा नोबडी नोज अफ़गान और इंडियन लॉन्ग आइडेंटिटी रिफ्यूजीज की हार्ट ऑफ इम परफेक्ट इनफनेस क्या होता है कि हमारे को जब से ये सोशल मीडिया आया है ना तो सोशल मीडिया में थोड़ा हवाबाजी ज़्यादा होती है अंडरस्टैंड दिस थिंग जो चीज़ दिखती है ना वैसा एक्चुअली में होता नहीं है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में हर चीज़ ना ऐसा दिखाया जाएगा कि एकदम परफेक्ट है लेविश है सो फैंसी एवरीथिंग इज़ सो गुड एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है हार्ट ऑफ इम्परफेक्ट इनफनेस और इससे क्या होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो तो सेलिब्रिटी बन गया उसने एक एक सपने दिखा दिए दिस इज़ लाइक व्यू ऐसा वैसा फैंसी चीज़ है पर जो थाउजेंड ऑफ़ फॉलोवर्स हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे उनको लगेगा हमारी लाइफ तो परफेक्ट है नहीं और इससे क्या होगा केओस एंट्रोपी हार्ट ऑफ इम्परफेक्ट इनफनेस नो बडी इज परफेक्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग नो बडी इज इम्परफेक्ट हर कोई इम्परफेक्ट है इन हिज और हर ओन वे वाबी साबी है द ब्यूटी इन अनेस इन इम्परमेंस तो जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू अफ वेल लिव दिस शुड बी द मैसेज अदरवाइज अननेसेसरी स्ट्रेस होता है एंड ट्रॉपी होती है यू शुड अवॉइड दैट द लाइट फैंटेस्टिक राइटिंग फॉर द इी योर सेल्फ जैसे बोलते हैं ना बी योर सेल्फ अगर आप बी योर सेल्फ हो ना तो आप फ्री हो जाते हो आप किसी भी चेन में नहीं रहते सो बी योर सेल्फ आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता यू कुड यू कुड एक्ट नेचुरल तो दिस इज साउथ चाइना सी आज का मैप है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ का बुलि कौन है चाइना तो साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है वैसे तो अनक्लॉज चलते हैं अनकलॉज बोलता है कि केवल इतना जो एरिया है टेरिटोरियल तो सो नोटिकल माइल भी ले, ले लेते हैं वो ही केवल कंट्री का होगा वहाँ पे राइट्स वो कुछ प्रोजेक्ट कर सकता है पर चाइना बोलता है एक पुराना मैप निकाल के ले आएगा और बोलेगा कि ये पूरा जो नाइन डैश लाइन है ना ये चाइना है अब ये कैसे चाइना हो सकता है यहाँ तो ब्रुनई है मलेशिया है तो चाइना इस पूरे एरिया को अपना क्लेम करता है यहाँ पे तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है पैरासल आइलैंड शेल और स्पार्टली आइलैंड चाइना इन तीनों पे क्लेम कर रहा है बट बाकी कंट्रीज भी हैं यहाँ पे वो बोलते हैं आप हमारा राइट क्यों ले रहे हो फिलिपींस है ब्रुनई है मलेशिया है वियतनाम है तो इस बात पे साउथ चाइना पे टेंशन होते हैं प्लस ये ताइवान है जो 1949 फोटी नाइन की रिवोल्यूशन हुआ था तो कू मि पार्टी भाग के कहाँ गई थी ताइवान में तो ये पीपल ये मेनलैंड चाइना बन गया और ये ताइवान बन गया ये भी खुद को ही बोलते चाइना ही बोलता है बट चाइना बोलता है वी आर एक्चुअल चाइना ये कॉम्युनिस्ट चाइना इज एक्चुअल चाइना इस बात पर इन पर लड़ाई होती है ताइवान ताइवान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ताइवान इज़ एन इम्पोर्टेंट चिप मेकर इलेक्ट्रॉनिक चिप ताइवान में बहुत प्रोडक्शन इनकी स्ट्रेंथ है और उसका शॉर्टेज हो रहा है अभी तो दिस इज ताइवान साउथ चाइना सी क्या है मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक का इसके बेसिन कंट्रीज़ कौन है भ्रूना चाइना इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस ताइवान एंड वियतनाम स्का शेल इज़ वेरी शोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकोंग रिवर भी यहाँ पे आती है सो दिस इज साउथ चाइना सी इंडिया के भी यहाँ पे स्टेट्स हैं बिकॉज यहाँ पे ऑयल एंड दिस नेचुरल रिजर्व है यहाँ पे

बजे बजे से मिनट पहले बेल बजी 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 मतलब कब बजी? बजे बजी। और जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें यह कहा कि पांच मिनट पहले बैल बजी है मतलब सात पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड मनोज थर्टी वन माइनस सेवन ट्वेंटी फोर हो गया तो मनोज की रैंक क्या हुई ट्वेंटी फिफ्थ फ्रॉम बॉटम सिमिलरली बिहाइंड सत्या बीस है तो सत्या की रैंक क्या हुई ट्वेंटी फर्स्ट फ्रॉम बॉटम वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज ये फेवरेट टॉपिक है हर साल एक या दो सवाल आए हैं डायरेक्शन के कि किस डायरेक्शन में खड़ा है कुछ नहीं हमेशा यही याद रखना है ये नॉर्थ है ये साउथ है है ना ये ईस्ट है वेस्ट है आप नॉर्थ की तरफ खड़ोगे तो राइट इधर हो जाएगा लेफ्ट इधर हो जाएगा ईस्ट की तरफ खड़ोगे तो राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट बस बाकी आपको पाइथागोरस पता होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिस इज अंडर रूट दिस दिस ओके सो वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू इज राइट टू विच डायरेक्शन वॉज ई फेसिंग और यह भी पता होना चाहिए सूरज ईस्ट से उगता है और यहां वेस्ट में जाता है तो आंसर अ मैन वॉक्स फाइव किलोमीटर टू वर्ड साउथ एंड देन टर्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग थ्री किलोमीटर ई टर्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स फोर किलोमीटर कुछ नहीं ड्रॉ करते जाओ एक एक लाइन जो है ना उसको ड्रॉ करते जाओ ऐसे ऐसे करके जो भी फिगर बन रहा है फिर फाइनली पैथोगोरस लगा के आंसर निकाल लेना एंड देन ही गोज बैक टेन किलोमीटर स्ट्रेट नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्राम द स्टार्टिंग पॉइंट इजी